कि आप सारे लोग जानते हैं कि मुंबई के मुंबई एयरपोर्ट पर बसे झोपड़ों का पुनर्वास करने का फैसला 2009-10 में कांग्रेस की सरकार ने लिया था और लगभग उसमें 50 से 60 हजार झोपड़े पूरे एयरपोर्ट के अगल बगल सराउंडिंग में बाधित हो रहे थे, जिसमें से जहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ पॉइंट है वहाँ के अगल बगल का जो इलाका है जरीमरी, संदेश नगर और क्रांति नगर, ये तीन इलाका बहुत ही सेंसिटिव जोन में आ रहा था। उसमें हमारी बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी सरकार को कई बार लिखा है कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ये नुकसान है और इसको ताबड़तोड़ यहाँ सर हटाना चाहिए, पुनर्वास करना चाहिए। महाराष्ट्र की कांग्रेस अगाड़ी सरकार ने उस समय निर्णय लिया कि 3 किलोमीटर के अंदर उन सबका पुनर्वास किया जाएगा। SRA ने योजना फ्लोट की और प्रीमियर कंपनी जो थी कमानी कुर्ला में, वहाँ पर SDI नाम की कंपनी ने ट्राईपार्टी एग्रीमेंट SRA और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ करके वहाँ पर 17,000 घर बनाने का फैसला किया और उन 17,000 घर बनने का काम शुरू हुआ। 2013-14 में वो काम पूरा हो गया। 2014 में सरकार बदल गई और सिर्फ इस सरकार को इतना ही काम करना था कि वहाँ के क्रांति नगर, संदेश नगर और जरीमरी में बसे हुए लोगों का नियम के पुनर्वासन नियम के तहत पात्र अपात्र की यादी बनाकर उनका पुनर्वास, उनका रिहैबिलिटेशन ताबड़तोड़ शुरू करना था। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने महाराष्ट्र की विधानसभा में, नागपुर के अधिवेशन में, मुंबई के अधिवेशन में, राज्य के हमारे विधानसभा के जो विरोधी पक्ष के नेता है उनके साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री के पास कई बैठकें लगाई। हर बैठक में ये आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द सबका पुनर्वास किया जाएगा। पिछले अधिवेशन में, मुंबई के अधिवेशन में, हमने गुरुवार के दिन इस मुद्दे को फिर से उठाया। पुरानी मांगनी पर चर्चा के दौरान, UD के ऊपर सप्लीमेंट्री डिमांड था, उसकी चर्चा के दौरान हमने उस मुद्दे को फिर से जोर शोर से उठाया, लेकिन सरकार ने कोई ठोस आश्वासन उस दिन भी नहीं दिया। परसों अचानक वहाँ पर कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी की कुछ लोगों ने ये खबर फैलाई कि कल मुख्यमंत्री आकर यहाँ पर चाबी का वाटप करेंगे। हमने उसका स्वागत किया कि पुनर्वास होना चाहिए, श्रेय उसका चाहे जिसको लेना है ले, हमें इस पे पुनर्वासन के ऊपर राजनीति नहीं करनी है। कल सवेरे मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में फ़ोन किया, उनके PA पुलस्कर मुझे फ़ोन पर मिले, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी दौरे पे हैं, शाम को आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और कार्यक्रम है। मैंने उनसे सवाल किया कि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, मुझे अभी तक संबंधित जो नोडल एजेंसी है MMRDA, जो इसके हाथ में पुनर्वासन की जवाबदारी दी गई है, मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि आपको अधिकारी सूचना देंगे। मैंने जॉइंट MMRDA कमिश्नर मिस्टर पवार से फ़ोन, उनको पवार को फ़ोन किया तो पवार ने मुझे जवाब दिया कि साहब ऐसा कोई सरकारी कार्यक्रम आज नहीं है, क्योंकि हम नोडल एजेंसी हैं। आज तक SRA ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के साथ हमको घर ही हमारे ताबे में नहीं दिया है, तो वाटअप करने का काम हम कैसे करेंगे। आपको एक चीज़ साफ करना चाहता हूँ कि इस पूरी योजना का पुनर्वासन करने की जवाबदारी महाराष्ट्र की सरकार ने MMRDA को दिया हुआ है। MMRDA को नोडल एजेंसी के रूप में अपॉइंट किया हुआ है, लेकिन MMRDA अधिकारियों को कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा कि हो सकता है SRA के लोगों को आप बात करें, शायद उनको पता होगा। SRA के चीफ जो ऑफिसर हैं, CEO हैं, उनको मैंने बात किया, फ़ोन किया मिस्टर कपूर को, तो कपूर साहब ने मुझे SMS फ़ोन नहीं उठाया और मुझे SMS पे एक जवाब दिया। मेरे पास वो अभी भी सेव है वो, सर मदर कार्डियो टेस्ट ऑन, फोन नॉट अलाउ इन स्ट्रेस लैब, विल रिवर्ट लेटर। ये उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया और उसके बाद में उनका कोई मुझे फ़ोन नहीं आया मिस्टर कपूर का। शाम को अचानक मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुँचते हैं 7 बजे। लोग वहाँ पर विरोध, बहुत गुस्से में थे, लोग विरोध ना करें उसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया। वहाँ की विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन ने
कांग्रेस के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं को 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में ले जाकर डिटेन करके रखा, वहां पर रोके रखा उनको। मुझे बार बार डीसीपी का फोन आ रहा था कि आप बिल्कुल वहां पे आइए मत, नहीं तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, कायदा और सुव्यवस्था का वहां पर खतरा हो सकता है। बहरहाल ये सारी घटनाएं होने के बाद मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंचे और पुलिस की छावनी में तब्दील बाहर से लाए हुए 200-300 लोगों के कार्यक्रम में उन्होंने कुछ 5 या 10 लोगों को कागज की बनी हुई चाबी उन्होंने हैंडओवर किया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, और उन्होंने कहा कि आने वाले 20-25 दिन के बाद लोगों का पुनर्वसन शुरू किया जाएगा। मेरा सवाल है कि अगर किसी को चाबी दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको घर की चाबी दी जा रही है, कल सवेरे आप जाकर घर में अपने रह सकते हैं। तो वो भी नहीं हुआ, धोखा देने का काम मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहने वाले एक महान व्यक्ति ने जो किया है उसका हम निषेध करते हैं। और उसी के साथ साथ मैं राज्य के मुख्य सचिव से मांग करता हूं कि उस भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर आईएएस ऑफिसर जाकर खड़ा होता है और वहां पर वो 40 सेकंड का भाषण करता है और भाषण के अंदर वो कहता है कि आज अभी कोई हम पुनर्वास आज चाबी नहीं दे पा रहे हैं, फिजिकल चाबी नहीं दे पा रहे हैं, पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं, हम आपको 20-25 दिन के बाद पुनर्वसन की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी ये मांग है राज्य के मुख्य सचिव से कि जो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 है उसके तहत जो एसआरए के सीईओ हैं उनको ताबड़तोड़ एक कमेटी गठित करके उनकी जांच करके कि राजनीतिक पार्टी के स्टेज पर जाकर उन्होंने जिस तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट किया और सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री के दबाव में आकर उन्होंने जो वहां पर भाषण किया है और जो लोगों से झूठ बोलने का काम किया है उनको रूल 1968 सेक्शन 5 के तहत 5(1) के तहत उनके ऊपर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। ये 1968 का रूल की कॉपी मैं लाया हूँ जो आईएएस अधिकारियों के ऊपर, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर लागू होता है, द ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968। तो इनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी के मंच पर, और वो राजनीतिक पार्टी के मंच पर कैसे थे ये भी मैं फोटो लाया हूँ आप सबको दिखाने के लिए कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये स्टेज है, बैकड्रॉप है, और कपूर साहब वहाँ पर खड़े हैं बाकायदा और वो राजनीतिक पार्टी के में हिस्सा ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र के कुछ नौकरशाह, कुछ अधिकारी, चाहे वो आईएएस हों, आईपीएस हों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दलाली करना चाहते हैं, उनकी चमचागिरी करना चाहते हैं, तो उनको इस सर्विस से राजीनामा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लेना चाहिए, हमें उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी ने, आईएएस अधिकारी से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है, उन्होंने जो किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले उनको सस्पेंड करना चाहिए और उसके लिए जो उसका प्रोसीजर है एक कमेटी मुख्य सचिव ने ताबड़तोड़ गठित करनी चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच करके उनको सर्विस से डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि ये इस देश का जो रूल है ये वो कहता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर